तभी ब्लागन का कहोगे गेड़ा करवाएंगे वहां पे जाके इसका ड्यूट का प्रोसेसर 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 नहीं भाई कंप्रेसर 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 प्रोसेसर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। तो ये एक क्या है, ये एक अपडेट वीडियो है रिगार्डिंग ये जो कल्टस है। मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले, उसके अंदर इसको पावर स्टेयरिंग जो करवाया उसके बारे में एक रिव्यू दिया था मैंने और शुरू। तो ये एक उसके रिगार्डिंग एक अपडेट वीडियो है। इसके अंदर ऐसे है कि तकरीबन हमें 5 साल हो गए इसको पावर स्टेयरिंग करवाए हुए। अब हमें छोटा सा एक इशू फेस करना पड़ रहा है इसके अंदर कि इसका जो ग्रिप है ना कोई, वो पहले भी एक बार चलते चलते गाड़ी का थोड़ा सा लूज़ हो गया था। तो अभी अब ऐसा है कि हम वर्कशॉप जा रहे हैं इलेक्ट्रिशियन के पास, तो उसको चेक करवाते हैं और आपको मैं सारा इसके सर्किट वगैरह भी दिखाऊंगा इसके अंदर, वो जो हमने इंस्टॉल करवाया था। बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट्स किए होते हैं कि यार वो कौन सी गाड़ी का है, किस तरह का है। तो अभी इसका हम नीचे से स्टेयरिंग वाला जो प्लेट है ना उसको खोलेंगे, तो आपको दिखाऊंगा कि ये जो उनका सेंसर वाला कौन सा होता है, मोटर कौन सी लगवानी है और ये कौन सी गाड़ी का। तो जी गाड़ी के हॉस्पिटल हम आ चुके हैं। अभी डॉक्टर साहब किसी और गाड़ी का ऑपरेशन करने में मसरूफ़ हैं, तो जैसे ही वहाँ से ऑपरेशन थिएटर से वापस आते हैं तो फिर हम अपनी गाड़ी को आगे इसको हमने लंबे डाला हुआ अभी, तो अभी इसको चेक करवाते हैं फिर कोई इसकी कहाँ पे इसको कहाँ पे तकलीफ़ हो रही है। उनके वैसे 5 साल के अंदर इसने हमें तंग नहीं किया, लास्ट टाइम एक रस्ते में एक थोड़ा सा इसने तंग किया था, तो उस बंदे ने सिर्फ इसका ग्रिप निकाल के इसको दोबारा से लगाया था तो ये ठीक हो गई थी। तो अभी ये कि इसके अंदर गाड़ी के अंदर चेक इंजन की भी लाइट आ रही है, तो अभी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया जैसे ही वो आता है तो उसको चेक करवाते हैं। ग्रिप तो ऐसी छेड़े हम तो नहीं का, वो हिल जाता है ना वहाँ से। इसको आप ऐसा करो इसको ये खोलो इसकी प्लेट, इसको खोल के अच्छी तरह उसका जो है ना फिर दोबारा से लगा लो एडजस्ट कर दो। ये चार माला पिच के स्लीपर अच्छा जी, ये इसका वो यूनिट है वो जो इसका सेंसर है वो जो इसको कंट्रोल करता है इसका सारा, मतलब स्पीड सेंसर वगैरह और बाकी जो इसकी मूवमेंट है जितनी टॉर्क चाहिए मोटर को वो सारा ये यूनिट कंट्रोल करता है। इसमें एक सिंपल भी आता है वो सेंस नहीं करता, वो मतलब बस नरम ही रहता है। लेकिन आपने जब भी लगवाना है इस तरह का सेंसर वाला लगवाना है, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता है लेकिन ये है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है और ये चलने में भी आसान है। यानी कि जैसे जैसे आपकी स्पीड ज़्यादा होती है ये आपका स्टेयरिंग को उस हिसाब से हार्ड कर देता है। अब इसको इसके ग्रिप साफ करने क्या करना, इसी तरह या ग्रिप इसको साफ करके स्लेवर लेकर आऊंगा क्योंकि ये लास्ट टाइम हमने किया था तो ये फिर दोबारा लूज हो गया। अच्छा जो इसकी ये मोटर लगी हुई होती है इसके ऊपर, ये इसमें जगह बनी हुई होती है मोटर लगने की कालब में? हाँ। नहीं ये अल्टरेशन होके लगी है। अच्छा और कालब के अंदर फिक्स जगह है ये? नहीं तो ये वो ये चेंज नहीं करते पूरा, वो ये पूरा चेंज हुआ है ना? हाँ ये पूरा चेंज होता है ना, कल्टस का तो नहीं है, ये कल्टस का नहीं है, कालब चेंज हुई है, ये किसी जापानी गाड़ी की लगी है। हाँ इसको आल्टो 660 सीसी का लगी हुई है, चेंज हुई है ना इसको अपनी, या तो आया ही नहीं है कल्टस में, जो पावर आया वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं आया, वो हाइड्रोलिक वाला है। अच्छा जी डॉक्टर को इसको चेक करवा लिया है, बीमारी इसमें कुछ भी नहीं है अभी तक 5 सालों में, सिर्फ यही है कि अभी दूसरी बार ये ग्रिप इसका लूज़ हो गया, लेकिन उसको इस बार ना उसने सही तरह सिलेवर के साथ उसकी सेटिंग करके लगा दिया। और उसके अलावा हमने ये देख लिया कि वो तारों का वो गुंजल सा जो बना हुआ है, क्योंकि जहरी बात है आफ्टर मार्केट ये सब चीज़ें हैं, अगर कोई अच्छा इलेक्ट्रिशियन हो तो इसको भी थोड़ा सा मैनेज करके लगाया जा सकता है। और उसके अलावा ऐसा है कि आज भी अभी जब हमने लगवाया था तब 12,000 रुपये लगा था, अभी हमने उससे पूछा है अभी तकरीबन इस टाइम वो कह रहा है कि 20,000 रुपये के राउंड अबाउट हो गया हुआ इसका खर्चा। और उसके अलावा शुरू से पूछती हैं बाकी जो रेगुलर इसको ड्राइव करता है, और यार उसके अलावा अभी तक कोई तुम्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है इसके अलावा ग्रिप लूज होने के अलावा पावर स्टीयरिंग के वाले से? जी नहीं, पावर स्टीयरिंग के वाले से मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अभी अभी ये है कि पावर स्टेयरिंग तो हो गया, अभी आ रही है गर्मी आ गई, तो अभी अल्टस में दूसरी अपग्रेड हमने जो करनी है इसके अंदर ड्यूइट का या वो होंडा लाइफ का जो है ना कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर, वो एसी का जो कंप्रेसर होता है वो हमने चेंज करवाना है, क्योंकि इसका अपना जो सा ना वो भी अब जवाब दे गया हुआ है। पिछली गर्मियाँ तो उसने गुजार दी हैं रो दो के, लेकिन इस बार उसने बिल्कुल भी
ना कर दिया, ना चलने के मूड में। हाँ बिल्कुल, अभी एक वो करना है। उसके अलावा ये जो आप देखे ना हमारी ये रोल्स रॉयस की सीटें जो लगी हुई है, इनको भी हमने अपग्रेड करना है। इसमें बैठ के ये कि आपके लक के अंदर भीड़ निकल आती है, फिर रात को याद आता है कि ओहो हम शरोज की गाड़ी में बैठ के गए थे, तो फिर ये भी इनको कहा है। तो अभी बिलालगंज का गए गेड़ा करवाएंगे, वहाँ पे जाके इसका ड्यूट का प्रोसेसर का तो प्रोसेसर ही हो गया ना मेन कंपोनेंट है उसका, तो वो लेके आना और इसकी सीट्स लेके आनी है। तो ये थी जी छोटी सी वीडियो, आई होप तो आपको पसंद आई होगी। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।